Sahel, Department of English, Government College, Kota. Today, I am going to start a new chapter of our syllabus that is determinants. Before I start determinants, I have come up with a beautiful quote by John Erie.

स्वीट ऑफ प्लेजर क्योंकि वो ग्रामर को उस तरीके से नहीं समझ पाते कि जिससे कि वो अपने जो लाइफ का जो एक्सपीरियंस है उसको एक्सप्रेस कर सके द प्लेजर वो प्लेजर आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी लैंग्वेज में क्योंकि आपको वो ग्रामर के रूल्स इतनी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ पाते हैं वो प्लेजर विच यूथ इन डिस्कवरिंग बाउंडलेस पावर ऑफ कॉम्प्रीहेंशन विच इज बाय ग्रामर राइटली अप्रीहेंडेड वो प्लेजर जो कि आपका दिमाग समझता है लेकिन उसको आप तभी अच्छी तरीके से लिख पाते हैं कॉम्प्रीह कर पाते हैं कब वेन द ग्रामर इज राइटली राइटलीन यू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ द ग्रामर राइटली तो वॉट यू फील इफ यू आर एबल टू राइट इन योर ओन वर्ड्स ओनली वेन यू हैव अंडरस्टूड योर ग्रामर रूल्स तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं डिटर्मिनर्स नाउ डियर स्टूडेंट्स आज मैं आपको बता रही हूँ कि डिटर्मिनर्स में क्या आता है एक तो आर्टिकल्स आते हैं और एक ये डेमोन्स्ट्रेटिव आते हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव जब हम पार्ट ऑफ स्पीच कर रहे थे तो उस वक्त मैंने आपको दिस दैट दीज दो ये सिखाए थे तो वो पार्ट ऑफ स्पीच में हमने डेमोन्स्ट्रेटिव कर लिए हैं आज हम प्योरली क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव और आर्टिकल्स ये डिटर्मिनर्स में आते हैं तो आज हम प्योरली आर्टिकल्स जो हैं वो करेंगे ना अब आप जानते हैं ये बहुत कॉमन है आप लोगों के लिए कि आप काफी अर्ली क्लासेस से पढ़ते आते हैं कि देर आर थ्री आर्टिकल्स ए एन एंड डी फाइन तो लेट अस टेक एन नाउ द आर्टिकल एन इज यूज इन द फॉलोइंग केसेस द आर्टिकल एन इज यूज इन द फॉलोइंग केसेस और वो केसेस आपको पता है कौन से कि वर्ड्स बिगिनिंग विद एन ओपन वॉवल विच इज साउंडेड एज पेन ए आई ओ यू रिमेंबर मैंने एक लाइन लिखी है यहां पे ओपन वॉवल विच इज साउंडेड एज मतलब जिसका साउंड जो है वो ए आई ओ यू हो ठीक है अच्छा ए का साउंड क्या है आ ए ए ई का साउंड क्या है ई e, ए का साउंड क्या है आई 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 ई ओ का साउंड क्या है आ वो यू का भी हो जाता है ठीक है तो एन एस एन एप्पल एन ऑमंड एंड एयर एंड इम्पॉर्ट एंड आयरन बॉल एन आउल एन ऑइसिस एन ऑब्जेक्ट ए यूनिवर्सिटी

क्योंकि ये यू आ रहा है ये ऊ नहीं आ रहा है ये जो ऊ आता है तो ये ऊ या अ की तरह आता है इस अम्ब्रेला आता है ना ये यू होता है अम्ब्रेला तो वो यू से शुरू हो रहा है लेकिन अ का साउंड दे रहा है तो यू यूरोपियन फॉर हियर ई इज प्रोनाउंस्ड एज यू नॉट एज एन ओपर वॉवल ए ए वन नाइट मैन फॉर हियर ओ इज प्रोनाउंस्ड एज डब्ल्यू व ये देखिए ओ है यहां पे लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है इनमें से किसी भी तरीके से नहीं हो रहा है और ये व हो रहा है तो जो कि हमारा ये कॉन्सोनेंट है वह तो व्यंजन है वावल नहीं है तो इट इज प्रोस एज डब्ल्यू व एंड नॉट एज एन ओपन वावल बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद ए साइलेंट और एस्पिरेटेड एच फॉर एग्जाम्पल अब आप ये देखिए ये जो एन है वो बिगनिंग विद ए साइलेंट और एस्पिरेटेड एच मतलब एच है लेकिन उसका जो साउंड है वो ओ से है honest, 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 hair, air. तो ये एच से शुरू हो रहा है ये भी एच से शुरू हो रहा है ये भी एच से शुरू हो, हो रहा है लेकिन रिमेंबर इनका जो प्रोनाउंसिएशन है इनका जो प्रोनाउंसिएशन है ये ओ से शुरू हो रहा है तो ये अगर एच से शुरू होकर भी अगर इनका प्रोनाउंसिएशन ओपन बॉबल से आ रहा है स्वर से आ रहा है ओ आर ऑनेस्ट और ए तो फिर इसका मतलब है यहां पे एन लगेगा अच्छा बिफोर सच कॉन्सोनेट एज आर प्रनाउंस विद द साउंड ऑफ एन ओपन बॉबल फॉर एग्जाम्पल एन एम ए एन एफ आई सी एन एल एल बी एन एस पी एन एल एल बी एन एस पी ओके तो यहां पे जो है हम इसको इस तरह से देखेंगे एन एम ए एन एफ आई सी एन एल एल बी एन एस पी रूल टू द इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन इज यूज कब काम में लिया जाता है बिफोर ए कॉमन नाउन इन द सिंगुलर To suggest the same sense of one, 12 inches make a foot. Here, a is equivalent to one. Before, a common noun in the singular to single out an individual as the representative of a class, that is to suggest the sense of any. एक पर्टिकुलर क्लास के लिए आता है वो एक क्लास को जब रिप्रेजेंटेटिव करता है तो ए हॉर्स इज ए फेथफुल एनिमल एनी का मीनिंग जब चलता है तब तो ये कहलाता है ए राइट right. फिर बिफोर ए कॉमन नाउन इन सिंगुलर टू सजेस्ट The vague sense of a certain. Before a common noun in singular to suggest the vague sense of a certain. For example, one evening a beggar came to my house. Here, A is equivalent to a certain. One evening a beggar came to my house. Here, A is equivalent. वे सर्टेन तो एक वेक सेंस के लिए भी आता है कि एक कोई बैगर आया तो कोई बैगर जिसके लिए आप श्योर नहीं हो वो कौन था बिफोर ए प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज यूज्ड एज ए कॉमन नाउन रिमेंबर हम जो ए है वो उस प्रॉपर नाउन के आगे भी काम में ले लेते हैं वैसे तो प्रॉपर नाउन के आगे कभी कोई आर्टिकल काम में नहीं आता है लेकिन हम उस प्रॉपर नाउन के आगे भी हम कई बार आर्टिकल काम में लेते व्हेन इट इज यूज्ड एज ए कॉमन नाउन जैसे कि ही इज ए शाइलॉक ही इज ए विभीषण ही इज ए रावण तो यहां पे शाइलॉक विभीषण रावण दे आर यूज इन द सेंस ऑफ ए कॉमन नाउन एज शायलॉक हुआ एज ए क्रूअल मनी लेंडर विभीषण किसके लिए होता है ही विभीषण तो कोई आपका जो सीक्रेट आउट कर दे उसके लिए हम विभीषण काम में लेंगे तो इज ए रावण तो मतलब जो व्यक्ति ज्ञानी लेकिन राक्षस प्रवृत्ति का है उसके लिए हम रावण काम में लेंगे तो जब प्रॉपर नाउन जो है कॉमन नाउन के रूप में काम आता है तो उसको लिए उससे पहले हम इन आर्टिकल काम में लेते नाउ द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज वेन वी स्पीक ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और वन ऑलरेडी रेफर टू और नोन एज द स्पीकर हम किसके लिए जो है द काम में लेते हैं हम द काम में लेते हैं जब

जो बुक आपने मेंशन करी है वो आउट ऑफ प्रिंट है तो उस बुक का एडजेक्टिव क्या है यू मेंशन इसका मतलब इस बुक को पहले से यू जानता है तो इसीलिए इसके आगे द लगाए लेट अस गो टू द क्लब आओ हम क्लब चलें तो ये जो अस है वो जानते हैं कि ये क्लब कौन सा है डिड यू सी द पेन क्या पेन को देखा आपने तो ये मतलब जानते हैं कि ये पेन कौन सा है वैने सिंगुलर नाइन वैन ए सिंगुलर नाउन इज मैंट टू रिप्रेजेंट ए होल क्लास वैन ए सिंगुलर नाउन इज टू रिप्रेजेंट ए होल क्लास जब एक सिंगुलर नाउन जो है पूरी क्लास को अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करता है तब भी हम द लगाते हैं जैसे कि द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल तो यहाँ पे जो द डॉग है ये अपनी पूरी प्रजाति के लिए कह रहा है ये नहीं माना जाएगा कि एक्स वाई जेड डॉग या फिर पर्टिकुलर कोई एक डॉग उसका डॉग मेरा डॉग यही फेथफुल है नो no, जब हम पूरी जाति के लिए काम में लेते हैं पूरी क्लास के लिए जब हम काम में लेते हैं तो उसके लिए द डॉग एग्जाम्पल आता है द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल द लॉइन इज द काइंड ऑफ बीस्ट तो ये जो लॉन जो है एक प्रकार का बीस्ट है तो इसके लिए भी हम जो है द काम में लेते हैं नाउ बिफोर दीज हैपन टू बी द नेम्स ऑफ बिल्डिंग्स माउंटेन्स प्रोविंसेस रिवर्स ओशन गल्फ ग्रुप ऑफ आईलैंड एक्सेट्रा फॉर एग्जाम्पल तो जो बिल्डिंग्स है माउंटेन्स हैं प्रोविंसेस हैं रिवर्स हैं ओशंस हैं गल्फ्स हैं ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स हैं ये सब जो हैं, ये सब क्या कहलाते हैं इन सब के लिए हम द काम में लेते हैं द ताजमहल द हिमालय द उत्तर प्रदेश द द पैसिफिक, द पर्शियन गल्फ द लक्षद्वीप आइलैंड राइट right? तो इनमें से कोई बिल्डिंग है कोई माउंटेन है कोई प्रोविंस है रिवर है ओशन है गल्फ है आइलैंड है तो इनके आगे हमने द लगाया है बिफोर द नेम्स ऑफ बुक द पुराना द रामायण द महाभारत ठीक है तो ये तो सब क्या है किताबों के नाम है तो इसके आगे तो हमने द लगा दिया लेकिन हम क्या कहेंगे वाल्मीकि की रामायण व्यास का महाभारत लेकिन जब हम ये कहेंगे ना कि वाल्मीकि की रामायण या महा वेद व्यास के महाभारत तब हम दैन नहीं लगाएंगे बिफोर टर्म्स डिनोटिंग नेशनैलिटी और कम्युनिटी जब कोई नेशनैलिटी को बताता है राष्ट्रीयता बताता है द इंडियन द इंग्लिश द फ्रेंच बिफोर कॉमन नाउन्स विच आर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काउन वो कॉमन नाउन जो है तो कॉमन नाउन लेकिन वो यूनिक है उन जैसे एक ही है द सन द मून द ओशन द अर्थ द स्काई तो ये सब दे आर वन ऑफ देयर काइंड तो इनके लिए हम द लगाते हैं विथ सुपरलेटिव हम द लगाते हैं जो डिग्री होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री एक पॉजिटिव होती है फिर कंपेरेटिव होती है फिर सुपरलेटिव डिग्री होती है तो गुड बेटर बेस्ट बेस्ट के आगे द लगेगा ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट तो ग्रेटेस्ट के आगे द लगेगा the darkest, the darkest के आगे दा लगेगा, ठीक है तो है, फिर तो जब दो एडवर्ब दो कंपेरेटिव डिग्री साथ आती है तो दोनों के आगे जो है द लगता है जब वो एडवर्ब के रूप में काम आ रही होती है द मोर द मैरियर द सूनर द बेटर तो इन दोनों के आगे द द द लगेगा ये आप याद रखिएगा जरूर ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बिफोर एन एडजेक्टिव द नाउन इज अंडरस्टूड कई बार हम एडजेक्टिव से पहले लगाते हैं वेन द नाउन इज अंडरस्टूड वी शुड हेल्प द पुअर ब्लेसेड आर द मीक जब हम पुअर uh, को जो होता है जो एडजेक्टिव है बिफोर एन एडजेक्टिव ये जो एडजेक्टिव है ओके okay, जिसको कि नाउन के रूप में भी काम में लिया जा रहा है तो वी शुड हेल्प द पुअर वी शुड ब्लेड आर द मीट तो यहां पे जो है हम यहां पे द लगाएंगे